नमस्कार बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछि मु स्मृतिलग्ना। दर्शक बंधु, सांबादिकता करथिबा प्रत्येक लोक एक कथा चिंता करी सांबादिकता क्षेत्र को आसी थाए जे समाज रे जो घटना भली घटुछि, जहां घटिबा कथा नुह, जहां अन्याय, जहां जनविरोधी, ताकु सामना को आनिबो। एवं ए सपोर्ट सहित, ए व्रत सहित सांबादिकटे अहरह काम करथाय। जेतेबेले सांबादिक उपर को आक्रमण हुए, एहाठु बड़ बड़ निंदा न थाई पारे, कारण वर्तमान समाज रे अनेक नियम रही, गणतंत्र रो चतुर्थ स्तंभ बोली कहा जाउची सांबादिकता को, किंतु सेमान को पई बाहरी बाकु कौन सी आईन नहीं, सेमान को सहयोग रे कौन सी कथा नहीं, सब किछि कागज कलम रे सीमित रही जाउची। 25 तारीख रो घटना जेतेले अर्गस प्रतिनिधि को आक्रमण करा जाइथिला, बाहनगा वीडियो जेई क्लर्क ड्राइवर समस्त असहयोग करथिले, आक्रमण करथिले। से घटना को आज 5 रु अधिक दिन बीतलाने एवं लगातार भाव में आम खबर प्रसारण करुचु, तथापि प्रभाव शून्य। एसपी को आगे धारणा देखते अच्छा संगठन कर्मकर्ता एवं सेमाने बारंबार दाबी करे कि गोटे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाओ, किंतु वर्तमान परिस्थिति रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करने तो दूरे था, वर्तमान परिस्थिति रे कई आपको भ्रुक्षेप करूना। तो वर्तमान परिस्थिति रे सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ मोबाइल केबे फेराजीब संजय महालिक, जहाँ ऊपर को आक्रमण करा जाइथिला, जहाँ मोबाइल छड़ाई निया जाइछि, से मोबाइल भितरे निश्चित भावे किछि प्रमाण रहिछि, एवं एमानकर भय रहिछि जदि मोबाइल फेरे दोछन्ति भांडा खोली जिवो बा सेमानकर पोल खोली जिवो। गोटे पक्षरे वीडियो रघुनाथ पाणिग्राही आउ ऑफिस आसुनांती, एवं ये गोटे घटना नुह जहाँ को नहीं कि जन आक्रोश बा जन असंतोष से शिकार होती, अनेक एमती घटना अच्छी भत्ता ठू आरंभ करी असहयोग करिबारो प्रतिटी फर्द तांक स्थानीय अंचल लोक माने खोलुछंती जे वीडियो कौनसी क्षेत्र रे सहयोग करिनांती। वर्तमान परिस्थिति रे जेतेले से उत्तरदायी, से जेतेले उत्तर दबा कथा जे काहे के एमती घटना घटेले, वर्तमान परिस्थिति रे से आदो सामना को असुनांती, या तो निंदनीय कथा न थाई पारे। तबे संतोष जेना हम प्रतिनिधि सीधा सड़क जोड़ी होचंती हम सहित। संतोष, जहाँ सूचना रही अच्छा संगठन आंदोलन में बसीला एवं सांबादिकों को आक्रमण घटना को बारंबार प्रतिवाद करुची, सेमान को भितरु जणकर अवस्था मध्य संकटापन्न हेलानी, तथापि कौनसी प्रभाव एमान को ऊपर पड़ुनी, एवं एसपी मध्य प्रतिक्रिया दोनांती, ये सबुठ बड़ विडंबनार कथा। देखु स्मृतिलग्ना, वर्तमान आम आपको सीधासलख भिजुआल देखा चाहिबू जे वर्तमान जो आच्छा संगठन कर्मकर्ता माने थिले, जो माने दुर्नीति भ्रष्टाचार व्यभिचार विरोध में स्वर उत्तोलन करने काम, एवं ए प्रसंग को से माने गुरुतर सहकार जोटी जड़े सांबादिकों को आक्रमण होतीपाई आक्रमण होते जड़े कर्तव्य दायित्व समापन करुवा वीडियो वीडियो ऑफिसर कर्मचारी जितेबले निजर दायित्व निर्वाहन कर पहाड़ मझीरे नाच गीत करुले और मदर आसर जमे निजे मसगुल थे से समय किसी भिडियो जो कैद करने चेषा करम प्रतिनिधि संजय महालिक से मणात्मक आक्रमण होता है। मणात्मक आक्रमण ये जे से क्यमेर कैद करते भिडियो जो उल्लग्न अवस्थार नृत्य एवं किभली भाव महिला कर्मचारी मैंने कार्य भिहां से गुड़ी दृश्य को बर्तमान लोकलोचन सामना को आने जो भिडियो रेकर्डिंग करते जहाँ वास्तविक अड़ुआ होता है, से अड़ुआ अड़ुआ सूतारे से माने काले छंदीजे से प्रकार गोटे कांड भी आम सहित आच्छा संगठन कर्मकर्ता मैंने जोड़ी प्रतिक्रिया ना आपणकर आमरण अनशन आज दुई दिन है जड़े भाई आपणकर असुस्थ हेले किए किए आलोचना करने एपर्त आसी आउ कौन पाखर आप सूचना अच्छे देखु आम सहित गत काली आसी बालेश्वर जो डीएसपी उमेश पंडा एसडीपीओ आउ सहदेव खुंडा आईआईसी तो सी आमको कहवा कथा तुम आमरण अनशन नहीं खाई पी बस कितु देखु आम आज गोटे ऑफलाइन खबर गोटे पाइल जो वर्तमान जिलापाल नाचार बोली तो समस्ते लाचार बोली समस्त कही सारे से हाथ टेक सारे से किसी करना कारण यहाँ कौटिना कौटि ये गणमाध्यम अर्गसर बोली कौटिना कौटि कारण ये सरकार प्रति तथ्य को उपस्थापन कै सरकार प्रति दोष दुर्दशा भी लोकों सामना को आने गणमाध्यम ये हूँ गोटे मध्यम जोटा कि सरकार आक भर मध्यम कितु ये जिते बड़े सरकार प्रति दोषटा भी लोकों नजर को नहीं आस आगे सरकार दोषी होतीपाई आपको प्रेसर रोचे कौन से चाप पड़ू से गिरफ करें ना कि आमर दाबी जेहेतु रैंक वन ऑफिसर हो पारती जड़े वीडियो
ଏଠି ବିଡିଓଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଡିଓ ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଭୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ଆମେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ପାଉଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ବି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା। ସାତ ଦିନ ହେଲା ସେ ପଳାତକର ଆଖ୍ୟା ପାଇସାରିଲେଣି। ଆଜି ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଡିଓ ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ବିଡିଓ ଚାର୍ଜର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସଡନ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ 5G ସରକାର, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀର ସରକାର, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଜର ରଖୁଛି, ସ୍କାନିଂ କରୁଛି। ଇଏ କ'ଣ ସେ 5G ସଚିବ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ କ'ଣ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ଚାପ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଚାପରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଜି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ଆଜି ମୋର ସାଥୀ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା BP ଲୋ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା SP ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆମ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଆମେ 4,23,00,000 ଜନତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଇଦେବୁ ପଛେ। ମାନେ ମୋର ସଭାପତି, ମୁଁ ଆଉ ସଂଗଠନର ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପାଦକ, ଆମେ 3 ଜଣ ବସିଛୁ। ଆମ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଆଜି 4,23,00,000 ଜନତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଦେଇଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ନୀଳଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଙ୍କ ୱାନ୍ ଅଫିସର ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କିରାନୀ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କରିଦେବୁ ଆଉ ଆମେ ସେ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁନି, ଅଲଗା ମୋବାଇଲ କିଣିକି ଦେଇଦେବୁ। ଓହୋ, ସେ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରମାଣ ଭାଣ୍ଡାଟା ଫୋଡ଼ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ମତଲବ ନାହିଁ, ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହେଉଛୁ ସମାଜସେବୀ, ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇଛେ। ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଆମ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛୁ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଫିସ ଆସିବେ ନାହିଁ? ଏବଂ ଆମକୁ ଆମ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ମୋବାଇଲ ବଦଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଦବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଆଉ ନଥାଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ କାମ କରୁନୁ, ଆମେ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ତ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଗେଟ୍ କରିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହୁଛି। ଏଠି ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିନି, ଏଠୁ ହେଲେ ବି ସେ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ହିଁ କାଫି। ଫେରିବେ ଆପଣ ପାଖକୁ ମାଉସୀ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁକିଛି ଲାଗିସାରିଲାଣି, ସରକାର କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଜିଲ୍ଲାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୋଷଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ଏଠି ବସିଅଛୁ, ଯିଏ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୁରା ଅନଶନରେ ପୁରା ବେଡ଼ ଧରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ତେଣୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। BDO ବାହାନଗା BDO ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ, ଏତିକି ଆମର ଦାବି ପୁରା ରହିଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ନ୍ୟାୟଟା ଦେବା ଦରକାର। ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ସିଏ ସବୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ ନା। ତେଣୁ ଲୋକେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ, କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନିଲମ୍ବନ ହିଁ ଦରକାର। କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବାହାନଗା BDO ଆଜି ଠିକ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବନି, ତା କର୍ମଚାରୀ କେହି ବି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମାଟି ମାଣ୍ଡିବେନି, ଲୋକେ କାହାର ସେବା କାହାକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବେ, ଲୋକେ ସେବା ପାଇବେ କେମିତି, ଏ କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ସବୁ କଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ନିରବ ଦୃଷ୍ଟା। ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବା ଆମେ? ଏ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲକ 8 ଦିନ ଚାଲିବନି, BDO ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବେ, ନବୀନ ସରକାରର ତ ଇଏ ନାରା ଗୋଟିଏ ଇଏ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ରହିବନି BDO ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ସରକାରର ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା'ର
माने उपाय हो हाईकोर्ट रे बेल अप्लाई करबा मोबाइल न फेरबा ए कथा पूरा स्पष्ट कर सारलानी जे वीडियो कर किछि भूल अछि जोति पई से पलातक साजिचंती हाईकोर्ट रे आगुआ जमीन आवेदन करचंती ए कथा पूरा स्पष्ट ना नाही पूरा स्पष्ट आमे आजि कालीठू बसिलुनी अनशन रे आमे से पर्यंत बसिबु जे पर्यंत वीडियो एवं तार समस्त कर्मचारी एवं ए सांबादिक महोदय जे माड़ खाई से समस्त को जिते पर्यटन तदन परिसरभुक्त न करे जार भूल थी आम कौन सरकार को दायी करूनु जार भूल थी आईन ता बाटर जीव आम से पर्यंत अनशन बसबू दुईट एफआईआर कराई गोटे संजय महालिक जे सांबादिक अच्छा से वीडियो कर्मचारी विरोध में देखते एफआईआर आउ गोटे एफआईआर देखते वीडियो ऑफिस रो कर्मचारी जो मानके जो माने संजय महालिक दुर्व्यवहार करथवार अभियोग करचंती दुईटी गोटे एफआईआर आ गोटे काउंटर एफआईआर काउंटर एफआईआर करथिबा अभियुक्त थाना ठु मात्र 20 मीटर दूर रे बसचंती किंतु संजय महालिक एफआईआर करथवा लोक माने आज फेरार अछंती कोन सूचो छ ना ना देखंतु 25 तारीख घटना घटला 25 26 27 28 29 30 आज 31 सात दिन बीती गला जदि एमन जो एफआईआर टाकु से माने ग्रहण करूनाहंती ग्रहण करे एफआईआर ग्रहण करे आपड़ कौन 20 मीटर दूर मुझे देखिली 20 मीटर नुहे थाना पचेरी पाखे बस 20 मीटर भी नुह से थाना पाखे बस शुणुना गोटे बहुत दुखर परितापर विषय आ गोटे घटना हूँ सपोज जदि एसपी महोदय गिरफ्त कर पारना पुलिस कर्मचारी गिरफ्त कर निश्चित भाव से निज अक्षमता को सांबादिक सम्मेलन जन दिखाँ आम पारू ना तेणु आम पलात घोषणा कलु कर दिखुन से जिनटा भाई भल हम कारण आम ये दुई तीन दिन बसीच दुई दिन लगेगा मुझे भावुँ निलंबन करूँ ना कारण तीन टा डेड बॉडी तो मिल सरकार तीन टा डेड बॉडी सफल हो पार जब तीन टा लोक मारी पार्ली तेल मुझे चाहूँ करूँ ना निलंबन कर आवश्यकता ना तीन टा डेड बॉडी मिल दरकार करूँ ठीक से दाबी कौन रही गोटे दाबी तो निलंबन दाबी रोज सरकार जब करूना निलंबन करवा दरकार ना कि तीन टा डेड बॉडी को कमी ससन मैंने घर पहुँचे से व्यवस्था करूँ अन्य पाखु जीवा आच्छा संगठन अन्य कर्मचारी माने मध्य अच्छा आपन कौन लगुच सुधा भी आपण सहित थरे आलोचना पर विफल है एवं एवं कंप्रोमाइज मोड रे जिला प्रशासन अच्छी आगु को कौन हबुल आशा कर देखो तो अज्ञा आईन रूर्धर कई नुहत ना आपण ना मु ना सरकार कई आईन रूर्धर नुहत तेणु आम सर नवेदन करुच्छू आम जो मानने घटना दुर्घटना घटी विडीओ महोदय और साथी मैंने घटे तदंत आणतु आमर नहले भी तदंत जो नमर जो सामाजिक माड़ खाई मैंने समाधान बाटा कहते यह प्रोब्लेम होता है असुविधा होता है तेणु ये आम मानने असुविधा थ्रु समाधान कर पार्न समाधान डाकू कि तुरंत आम विडीओ महोदय को साथी मान गिरफ्त कर ना आम एक धारणा उठबू ना जपर्यंत गिरफ्त न होती किमर समाधान सांबादिक भाई को डाकि आम ये धारणा बसबू ये आमर जिला प्रशासन और सरकार आम दायी रही है आमर रणस्थल में विभिन्न संगठन बर्तमान रास्ता खोल केवल आच्छा संगठन नुह नीलगिरी थाना सम्मुखें सांबादिक बंधु माने धारणा देखते समान दाबी जे गिरफ्त कराऊ ना से निलंबन कराऊँ जो वीडियो वीडियो महोदय भय सृष्टि से मोबाइल को फेरा जाऊ प्रकृत आपन को कौन लगुच मोबाइल में सबू कथा अच्छी से मोबाइल सामना को आसने सब कथा धरा पड़ जाए जो भय रोज लगुच हाँ निश्चित तो रोचे मो कहार कथा आमर जो मोबाइल टी से माने नहीं जाइंट आमर से मोबाइल टा ही दरकार दूसरा जदि खे किणिकी दिंती किंतु आमर से प्रमाणटा आमर नष्ट हो जाउची आमर सेइडे देले आमे से प्रमाणटा को फोन को आने की लोकलोचन को आने की आमे किछि तथ्य बाहर करी बोली आमर आशा अछि तेणु करी आमर दाबी हैला बाहानगा वीडियो निलंबन आमर दाबी जिते पर्यंत निलंबित से हे ही नजंती आमर एठे अनसरण एमिति बसिबू आम जीवन जीवा पर्यंत बहुत बहुत धन्यवाद आम आच्छा संगठन कर्मकर्ता सहित आलोचना करूँ वर्तमान सांबादिक आक्रमण प्रसंग आउ आक्रमण घटना ना कहीं दीर्घ सात दिन धरी बाहानगा वीडियो ए पर्यंत ऑफिस रे अनुपस्थित अच्छा जिला प्रशासन एक जाणी सारी केवल बाहानगा वीडियो जे बहादुर वीडियो रघुनाथ पाणिग्राही सी नुहंती संतोष सबुठ बड़ कथा एसपी एबे पर्यंत केमती किछ रिएक्ट करि नहंती देखो तो स्मृति लग्ना ए पर्यंत एसपी को भेटिबा पई पाखापाखी आमे मध्य 6 रु 7 थरो पाखापाखी जोगाजो करबा पई चेष्टा करछि एवं
पूरा बालेश्वर जिले में एसपी का सहित सीधा सड़क कथा हुंती नहीं केवल एसपी ऑफिसर जदि कर्मचारी माने तांको सहित जोगाजोग करचंती एने मध्ये आमे एसडीपीओ को मध्ये जोगाजोग करिचु किंतु एसपी भी पूरा नीरव दृष्टा एक्शन तो दूरर कथा ए अभिजोग प्रसंग ए घटना प्रसंग रे एसपी मुंड पुरेबा किंबा ए घटना को समाधान बाट आड़ को नेजबा ए प्रसंग रे मध्ये एसपी को प्रतिक्रिया ए पर्यंत आमे पाई पारिनु एवं तांकर जहां पदक्षेप नबा कथा किंबा कोनोसी कार्यनुष्ठान ग्रहण करबा कथा ए पर्यंत एसपी कोनोसी प्रकार रे भी एक कथा को ध्यान देनांती एवं एसपी को भेटिबा सते जेमिति बालेश्वर वासिंग पई स्वप्न होईचे गणमाध्यम रा प्रतिनिधि मानको आमे भेटिचू आज पर्यंत एसपी जेते जेबेठु एठी जॉइन करिसंती मात्र गोटिए थर ही गणमाध्यम को बाइट देइचंती जोठी ड्रग्स कारबार भली सांघातिक अभिजोग तांको पुलिस को नारे आसीचे एठी पुलिस पलातक वीडियो बोली मध्य रघुनाथ पाणिग्राही को लोक कहिलेनी ता पर भी से दफ्तर को न आसीबा लोकों को संगरे कथा न हेबा सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जो मोबाइल रे प्रमाण रही से मोबाइल न फेरे कौटि ना कौटि प्रमाण करुच्ची आपणकर तो दोष अच्छी से आपड़ एत सब कारनामा करगस अपेक्षा करते पर्यटन गिरफदारी न होते पर्यटन कार्यानुषान न हो खबर प्रसारण करुव अर्गस समय बिग ब्रेकिंग को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार।